संविधान जब लागू होने वाला था यानी कि 26 जनवरी 1950 को, तो उसके 2 दिन पहले क्या हुआ, वह बहुत अद्भुत हुआ, आप जानकर चौंक जाएंगे। वीडियो के अंत तक बन रहे, वह क्या हुआ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। कछुए हैं, उनके मुंह में कितने दांत होते हैं? सभी जीव जंतु हैं जिसके दांत में यानी कि मुंह में दांत निश्चित है कि होने के लिए होता है कोई भी पदार्थ को खाने के लिए, लेकिन कछुए को कितने दांत हैं? कछुए के मैं बता देता हूँ कि कछुए के मुंह में यानी कि कछुए के मुंह में 0 दांत है, 1 भी दांत नहीं है, और वह बड़े बड़े पुलों को बिठा सकता है बीने और दांते को वह खोद कर। कछुए हैं जो पृथ्वी पर बहुत दिनों से आकर रह रहे हैं यानी कि 20 करोड़ सालों से पूर्व से कछुए आकर रह सकते हैं, लेकिन कौन सा जीव से कंपेरिजन किया जाए कि वह उससे पहले आए थे? जी हाँ, मैं बताता हूँ कि सांप जो आए उसके पहले से कछुए आए हैं, जहाँ छिपकली जो पृथ्वी पर उससे पहले कछुए आ गए हैं, जहाँ मगरमच्छ है उससे पहले कछुए आ गए हैं। पृथ्वी पर जो कछुए हैं वो कितने प्रजातियाँ हैं, जिन प्रजातियों में से बहुत सारे प्रजाति है जो बहुत जल्द ही वह विलुप्त होने वाले हैं, यानी कि पृथ्वी पर से कछुए का विनाश होने वाला है, खत्म हो जाने वाले हैं, जो कि जैसे कि डायनासोर पृथ्वी पर से खत्म हो गए उसी प्रकार से कछुए खत्म हो जाने वाले हैं, जो कि 318 प्रजाति है कछुए को पृथ्वी पर है, 318 प्रजातियाँ। टाटा कंपनी है जो कि कितने प्रकार के सामानों के बेचा करते हैं, आप लोग यहाँ जानते होंगे कि टाटा का नट बोल्ट गाड़ी बहुत सारे हैं, लेकिन बताता हूँ कि टाटा का चाय भी है जो 5 स्टार भी है, यानी कि होटल भी उसका है, यानी कि और सभी है, क्या है, सुई जो डोरा होता है वो टाटा के भी है, जो कि कार है वो भी टाटा का है, एरोप्लेन है ये भी सब टाटा का है, बहुत सारे प्रोडक्ट यानी कि 100 प्रकार के प्रोडक्ट को वहाँ बेचते हैं। सांप जो किसी भी जीव जंतु को मेढक छिपकली को खा जाता है, छोटे छोटे अपने बच्चों को भी खा जाता है सांप, लेकिन सांप कोई भी जीव जंतु को खाते समय आपने कभी महसूस किया है कि मनुष्य की तरह पूर्ण रूप से चबा कर खाता है? आपने कभी देखा है? अगर नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप महसूस करें। जी हाँ, वह सांप है बिना चबाए हुए, वह किसी भी जीव जंतु है उनको बिना चबाए हुए खाता है। पक्षी है जो अपने खाने को यानी फल या कुछ भी खा रहे तो वह पैरों से पकड़ कर खाते हैं। आप कहेंगे सारे के सारे पक्षी, ऐसा कभी नहीं है कि सारे पक्षी, मात्र एक ही पक्षी है जो अपने पैरों से पकड़ कर, आप भी देखे होंगे या आप नहीं देखे हैं तो कभी जाकर आप देख सकते हैं कि वह कौन सा पक्षी है जो पैर से पकड़ कर खाती है। तोता को एक बार आप जरूर गौर से देख सकते हैं कि अपने पैरों से वहाँ पकड़ कर वहाँ कोई भी फल को खाती है, ऐसा बाकी पक्षी नहीं। कौन सा तोता है जो सबसे छोटा है, वह कितने बड़े हैं? जो हमारे एक अंगुल है उस अंगुली के बराबर वह तोते हैं, यानी कि बहुत छोटे, एक आप माने तो वहाँ की एक अंगुली ही है जो कि तोते है। उस तोते का क्या नाम है? पिग्मी तोता है जो दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, पृथ्वी का सबसे छोटा कहा जाता है पिग्मी तोते का, जो कि सबसे छोटा। क्या हम लोग, आप लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 से संविधान को लागू कर देगा, उसके बाद से नियमों को पालन किया जाने लगा? नहीं, 26 यानी कि 26 नवंबर 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया, उसके बाद लोगों में जाकर इसको उत्साह बढ़ाया जाने लगा कि संविधान में यह नियम को लिखा गया है जो कि आपको पालन करना होगा, जो कि 26 जनवरी 1950 को यह पूर्ण रूप से लागू हो दिया हो। जो संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हो गया, जिसको रख दिया गया कि अब इसमें कोई भी लिखावट नहीं किया जाएगा, जो कि पूर्ण रूप से यह तैयार हो चुका है, जो कि 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया गया जाएगा, वहाँ 30 तारीख को कहा गया कि अब संविधान पूर्ण रूप से तैयार है। 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को कहा गया कि यहाँ संविधान है, इसको कभी भी लागू कर दिया जा सकता है, तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू। गाइज, कौन सा यानी कि किस देश का जो संविधान है वह सबसे लंबे पन्ने यानी कि बहुत अधिक पन्ने में लिखा गया है, बहुत विस्तार रूप से सजाया गया और अच्छे कानून माना जाता है, किस देश का? भारत।
भारत देश का जो संविधान है वह सबसे यानी कि वह बहुत लंबे उसको बनाया गया है, बहुत अच्छे तरह से सजाया जाता है। और भारत का संविधान किसी और देश लेकर अभी बनाए हैं अपना फिर से संविधान, वह कौन सा देश है आप चार सेक्शन में लिख सकते हैं। संविधान जब लिखा गया जो अलग अलग पन्ने थे उस पर बिना साइन किए वह तो लागू नहीं हो सकते हैं, संसद में उसे साइन कराना पड़ेगा। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया जाने वाला था, लेकिन दो दिन पहले जब इसके साइन करने का डेट था उस समय क्या हुआ, कुछ अजीब ही हुआ। उस दिन यानी कि दिन से लेकर रात तक वर्षा बहुत अधिक मूसलाधार हो रहा था, उसी बीच संसद में जो हमारा संविधान है उस पर साइन हो रहा था। अगर नहीं होता तो 26 जनवरी को लागू कैसे होता। मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।